निकालें। कल हमने सबसे पहले आम, मैं हूँ आम रसीला, ठीक है, ये पाठ को पढ़ा था। क्या बताया था? आम इसमें अपनी तारीफ कर रहा है, अपने आप के बारे में बता रहा है कि आम क्या, किस किस काम में प्रयोग होता है, आम की लकड़ियाँ किस काम में काम आती हैं, आम की पत्तियाँ किस काम में प्रयोग होती है, ठीक है, आपने अपने बारे में बताया था। फिर हमने इसके शब्दार्थ को कठिन शब्द किए थे, फिर हमने मौखिक प्रश्न किए थे और पाठ के प्रश्न किए थे, ठीक है। आज हम उसका असाइनमेंट लिखते हैं, आज हम उसका असाइनमेंट करेंगे। सभी बच्चों ने कॉपी उठा ली। सभी बच्चों ने निकाली कॉपी, वेरी गुड। अब हम करेंगे फलों का राजा कौन है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर एक, फलों का राजा कैसा होता है?
कैसा लिखेंगे, खट्टा या मीठा? कैसा लिखेंगे? मीठा। वेरी गुड, लिखो मीठा। आगे है, सबको मतवाला कौन करता है? कौन करता है? कोयल की कूक। जब आम के पेड़ों पर फोड़े वो आम के फूल खिलते हैं, उनकी महक आती है, तो कोयल की आवाज होती है। ठीक है, वसंत ऋतु में कोयल कूकू करती है जो सबके मन को खा लेती है। तो क्या लिखेंगे? कोयल की कूक। सभी बच्चे लिखें। आम पन्ना किसे बचाता है? आम
पन्ना किससे बचाता है? किससे बचाता है? लू से। आगे है फिर वचन बदलो। घोंसला, घोंसला का क्या होगा बहुवचन में? घोंसले। आगे है पेड़, पेड़ों। ये हमारे असाइनमेंट थे, सभी बच्चे कॉपी में लिखे। साफ साफ सुंदर शब्दों में लिखे। Hello, ma'am.
आगे है हमारा प्रमुख विकल्प ये प्रश्न, प्रमुख विकल्प ये प्रश्न, सभी ने लिख लिया। आगे हम लिखेंगे प्रमुख विकल्प ये प्रश्न, मिलाकर अपना सरबत।
आज हमने 3 पाठ कर लिए, कल से हम 4th पाठ है।